पर याद उनकी आती है जिन्होंने इस देश को एक नया चेहरा दिया, यानी कि हमारे पहले प्रेसिडेंट। उनकी कथा मुझे याद आती है जब वो कहते थे कि हम लोग एक नदी पार करते हैं और तब अपने स्कूल की ओर निकलते हैं। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, गीली हो जाती है, हमारे जितनी बुक्स हैं गीली हो जाती हैं, पर हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। ये एक ऐसा गाँव है जिस गाँव की अगर मैं बात करूँ तो लोग आज भी वही ज़माना जी रहे हैं जो हमारे पहले प्रेसिडेंट जिया करते थे। यहाँ के लोगों ने हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा भी और ये वादा भी लिया कि भाई हमारे लिए एक रोड बना दीजिए, नहीं तो एक पुल ही बना दीजिए। ना तो यहाँ पर रोड बनी ना पुल। ये इसी तरीके से आते हैं और इसी तरीके से अपने घर वापस जाते हैं। सोचिए कि इनके पास पीने को पानी नहीं है। ये ऐसा लगता है कि कोई एक मेन किसी एक दूर दराज एरिया में बैठे हैं जिनका किसी भी सिटी से कोई संपर्क नहीं है। बड़ी बड़ी सुविधाओं से तो नाता शायद दूर का ही होगा। मेन रोड से उस गांव तक जाने के लिए पहले इस तरह का रास्ता जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। ये रास्ता बारिशों के मौसम में उतना ज़्यादा स्लिपरी हो सकता है। उसके बाद ये नहर क्रॉस करनी होगी और उसके बाद अपने अपने गाँव में, यानी कि अब यहाँ से कोई भी टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो वो पहुंच नहीं सकता। तो इसीलिए ये टू व्हीलर फोर व्हीलर यहाँ पर खड़े किए जाते हैं। पर आप सोचिए कि ऐसी जगहों पर अगर खड़े हो तो चोरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जब से हमारी पार्टी जीती थी हमने अपने गुरुद्वारा साहब खंड पाठ आरम्भ कराया था, भाई हमारी ये पार्टी जीत गई है। तो अभी बीजेपी, अभी हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो अभी तक हमारे अच्छे दिन नहीं है, बहुत दुख भोग रहे हैं। बात ये भी है कि इस गाँव को टूरिज्म भी दिया जा सकता है। सवाल ये है कि आप देखिए, ये बहुत ही प्यारी जगह है। थोड़ा थोड़ा ध्यान जो है वो जज्जर कोटली का भी याद कराती है। जज्जर कोटली भी इस समय उसी हालात में है कि टूरिज्म वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, पर यहाँ पर ये टूरिज्म विभाग इसको अगर डेवलप करना चाहे तो बहुत प्यारा डेवलप कर सकता है। और ये नदी आगे की अगर मैं बात करूँ, ये मनावर नदी है। अगर इस तरीके से इसको डेवलप किया जाए तो यहाँ पर तो फ़ायदा होगा ही, एक ब्रिज बनेगा ही, यहाँ के लोगों को भी रोजगार का साधन आराम से मिल जाएगा। ये देखिए, मुझे एक गाना याद आ रहा है, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ये जम्मू परिवर्तन की टीम। सोचिए जम्मू परिवर्तन की टीम यहाँ पर आकर इतनी परेशान है, तो ये सोचिए कि यहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। ये वादियाँ देख के मन करता है कि भैया यहीं पर रुक जाइए। ये पानी देख के मन करता है कि यहाँ पर आराम से धूप आ रही है कि पिकनिक स्पॉट बनना चाहिए। पर यहाँ पर मसला ये नहीं है, हम आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाने बिल्कुल नहीं लाए हैं। यहाँ पे दिखाने आपको वो लाए हैं यहाँ के लोगों की परेशानियाँ। इस समय हम तलिया गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर एक अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये अंकल जी ने ये पूरा दरिया पार किया है यहाँ तक मुझसे सिर्फ बात करने आने के लिए कि भाई हम आपको अपनी बात सुना देते हैं। शायद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अब वो बात सुनने को ना तो सुनना चाहती है ना शायद सुन पा रही है। तो चलिए आपके राही हम अपनी बात को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुंचाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। मैं राजल टलियां का रहने वाला हूं जी। मेरा नाम सेवा सिंह है, मैं पंचायत, पहले पंचायत का मेंबर था जी। अभी बहुत कोशिश की हमारे भी, 20 साल हो गए मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए। 2000 में हमारे इलेक्शन हुए थे पंचायत के जी, तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बात रख रहे हैं, हर मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, हर पार्टी का हम साथ दे रहे हैं। जो अच्छी पार्टी आने वाली है उसका साथ दिया, कांग्रेस का दिया, एनसी का दिया, सबका दिया। अभी अभी बीजेपी के साथ हैं हम, काफ़ी देर से हम बीजेपी के साथ हैं, रैना जी के साथ हैं। उन्होंने बहुत वायदे किए हमारे, 14 आदमी यहाँ नाले में बह गए, नए जोड़े पत्नी पति और पत्नी, नए दो बच्चे छोटे छोटे छोड़ गए, और एक अभी 3 साल की बात है, एक हमारा एक आदमी चला गया, वो उसने प्रोटेस्ट भी किया, सब डीसी साहब आए। हमारे पास रोड नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई हेल्थ की कोई हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई एनिमल वास्ते हमारे वास्ते कोई ऐसा सेंटर नहीं है। बीमार हो जाए जानवर तो इधर ही मर जाता है, जो बुला के लाते हैं नाला देख के, कोई पार जाने के लिए राजी नहीं होता। टीचर कोई आता है, ये प्राइमरी स्कूल हमारा 1962 का बना हुआ है जी, तो उसके लिए अभी वो उतना ही है, डेवलपमेंट उसकी कुछ नहीं हुई। प्राइमरी का प्राइमरी बना हुआ है, एक टीचर आता है बाहर से घूम के 4-6 किलोमीटर सफ़र करके नाला देख के, तो कोई घुसता नहीं बीच में।
तो वो बैठा और अपनी थकावट दूर करके फिर चला जाता है। बच्चे वहाँ के वहाँ, अभी हमारे जो बच्चे बाहर फौजी फौज में भर्ती हुए, जाके पूछे कोई नौकरी रोजगार लगा है उनका, वो अपने बच्चों को लेके सिटी में जाकर रह रहे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो गरीब आदमी बूढ़े बैठे इधर बैठे हैं, इधर ही मर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कौन उठा के उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, चारपाई पर उठा कर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो लोग चारपाई के ऊपर जाते हैं, चारपाई पर जो कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पर उठाना पड़ता है। चार बंदे चारपाई पे भी लेके जा नहीं सकते मरीज को, इतनी बुरी कंडीशन है, इतना रास्ते की प्रॉब्लम है हमारे को। और इस नदी को क्रॉस करने, अभी तो पानी का बहाव कम है, जब पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो बहुत मुश्किल आती है नाला क्रॉस करने हमारे को। बाहर से कम ढाई 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, वो भी जंगल से होते हुए, पहाड़ी से होते हुए जाना पड़ता है हमारे को। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है हमारे पास। जितनी भी सरकारें आई हैं सारी की सारी नकम्मी है। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते कि बीजेपी खराब है चाहे PDP है, कई सरकारें आई हैं सारी नकम्मी की नकम्मी है जी। किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। यहाँ पे कम से कम 13-14 बंदों की डेथ हो गई है इस पानी में बह के। हमने कई बार डेड बॉडी भी रखी है रोड पे, हाईवे जाम किया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बस जो भी आता है बोलता है ठीक है जी हो जाएगा आपका काम, सब हो जाएगा, आश्वासन दे के चले जाते हैं, आश्वासन दे के चला जाता है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फाइल हमारे पास भेजो हम ये करेंगे, हमारे रोड नहीं हमारे पास। जो तो बारिश का मौसम आंदा है, ये पानी तो वैसे उधर लेवल बढ़ेगा, तो फिर उस वेले तो कितना जानते हो बाहर जंगल से जाते हैं, वहां से भी ऊपर पहाड़ियों की स्लाइडिंग होती है, वो भी बहुत मुश्किल है, डर डर के जाते हैं कोई पत्थर न सिर में आके लग जाए। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने के लिए बहुत मुश्किल है, 4 आदमी हम बंद जाते हैं बच्चों के लिए, जिनके 3 बच्चे स्कूल जाते हैं वो 2-2 आदमी जाते हैं, रास्ते से उनका बैग भी उठाना पड़ता है, बच्चों का बैग पता कितना भारी है और उनको उठाकर भी लाना पड़ता है। ये पहाड़ी से थोड़ा वो निकल सकते हैं या छलांग लगा सकते हैं, तो इतनी बहुत मुश्किल है हमारे पास, बहुत दुखी है हम। आजकल तो वैसे एक ही 102 नंबर डायल करो या 108 नंबर डायल करो तो कोल एम्बुलेंस आती है। डायल करने का फायदा किया है, कोई रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाएगी मेन रोड में, तो कहाँ से जाएगी एम्बुलेंस। ये हमारा रात को कोई आदमी बीमार हो जाता है, हमारे को पहले गांव में सभी को इकट्ठा करना पड़ता है कि 4-6 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि उसको लेकर जाना है, तो इतनी देर में जब 2-3 घंटे इधर ही रहेगा उसकी तो डेथ हो जाएगी इधर ही, हॉस्पिटल तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा। केस हो गया तो फिर भी मुश्किल है, स्नेक बाइट केस हो गया तो टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। कोई डिस्पेंसरी वगैरह थी होगी, कुछ नहीं, डिमांड बहुत दी है, कुछ नहीं हुआ। हमारा बेसिक मुद्दे नहीं है हमारे, जो बेसिक मुद्दे रास्ता होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं, अभी बहुत खराब थी, अभी हमने बहुत पीछा किया, कुछ पेमेंट सामान लाके दिया तब उन्होंने खुद पेमेंट किया है, कुछ उसी पे तारों का सामान क्लैंप क्लूंप जो भी है वो सब हमने किया है पेमेंट। बिजली थोड़ी सी कंडीशन ठीक हुई है, अभी रास्ता हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास पीने के लिए नहीं है, पानी यही हम पी रहे हैं जो नाले का पानी, ये यहाँ पर ये सामने के बीच है, कोई ज्यादा दूर के नहीं, ये सामने जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर आई हैं पानी लेने के लिए, पानी लेने के लिए और ये कपड़े धोने के लिए आए, कपड़े धोएंगे और पानी लेके जाएंगे, यही हम पानी पिएंगे। नहीं नहीं यहीं पे तो कपड़े धो रहे हो, फिर वही वाला पानी यहीं पे कपड़े धोते हैं हम, यहीं से पानी लेके जाते हैं पीने के लिए, पानी भी नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। और सफर देख लो आप, कम से कम 500-600 मीटर से ज्यादा ही होगा, 1 किलोमीटर के समथिंग होगा। मतलब थोड़ी फिर जनानियां यो कम कर दी रहेंगी, आगे थले वही करना है, यही करना है। आपके सामने बैठे हुए देखो, कपड़े लेके बैठे हुए हैं, पानी अभी लेके जाएंगे, बाल्टियां रखी हुई पानी के लिए, राशन हम इकट्ठा ले जाते हैं, कहीं बारिश होगी तो हम राशन भी ला पाते घर में, इकट्ठा रख लेते हैं घर में, कौन आएगा बार बार, इतना चलना पड़ता है पैदल, कभी कभी हम इतना इतना पानी लेकर जाते हैं इधर से, तो क्या करें हम, बहुत मुश्किल है, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। मकान बना हुआ था, गाड़ी लेके ट्रैक्टर को बीच में घुसाना पड़ता है, 2-2 दिन लग जाते हैं हमारे को, हमारा फसल खराब हो जाता है, पड़ा रहता है, जब तक पानी ना कम हुए तब तक हम गाड़ी भी नहीं लेकर जा सकते, ट्रैक्टर मतलब नहीं आपका लेकर जा मोस्टली रोजगार वहाँ पे फसलों का ही है, फसलों का भी है, वो भी खत्म हो जाती है और गेहूं होती है, बस वो बारिश के ऊपर डिपेंड है, बारिश हो जाएगी तो हो जाएगी। और इरिगेशन वालों ने ऐसी नहर निकाल ली है इधर से, हमारी जमीनें छोड़ दी और नीचे नीचे जमीनों के नीचे नीचे उन्होंने निकाली है, वो भी हमारी जमीनें जो थी वो भी इन्होंने खराब करके रख दी, इधर की मिट्टी उठाई उधर डाल दी, उधर का पत्थर। कितने लोग हैं एक गांव के यहाँ पे और 2 गांव हैं यहाँ? 400 वोटर है हमारा, 400 वोटर है, तो अंदाजा लगा लो 9,000-1,200 आदमी है हमारा। हाँ तो मतलब अगर आपको 400 वोट चाहिए
तो आपको इस गांव में आना पड़ेगा। हाँ। अगर आपको इस गांव में आना पड़ेगा तो आपको ये नदी को या नहर जो भी आप इसको अपने अनुसार जो कह सके वो आप कहिए और यहाँ से आपको आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि महिलाएं वही पानी से कपड़े धो रही हैं और वही पानी जो है वो पी रही हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हर नल में पानी होना चाहिए। यहाँ पर नल में पानी तो छोड़िए कि वो गंदा पानी पीकर खुद बीमार हो रहे हैं। महिलाओं के लिए हम ये कह रहे हैं कि फीमेल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। महिलाएं घर से बाहर निकले काम करें, पर यहाँ पर महिलाओं को इतना ज़रूर काम है कि घरों से बाहर आइए, कपड़े धोइए, पानी पीजिए, पानी लीजिए और उसके बाद अपने अपने घरों पर जाइए। यानी कि पूरा दिन ये लोग यही काम करेंगे। ये यहाँ की वुमेन एम्पावरमेंट है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की ये है कि ये लोग एम्बुलेंस तक को अपने पास बुला नहीं सकते। स्कूल में बच्चे यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं, टीचर्स यहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। तो इस गाँव के पास है क्या आखिरकार? हम लोगों ने अभी तक 75 साल करते हमने इनको दिया क्या है? ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए और उन महिलाओं के लिए जो यहाँ पर, वो देखिए उनमें से कुछ महिलाएं बुज़ुर्ग भी हैं। वो बुज़ुर्ग महिलाएं किस तरीके से ये सब पार करेंगी और कपड़े धोएंगी और पानी भरेंगी, ज़रा एक बार सोचिए। इस पूरे गांव के हालात ख़राब हैं। 400 वोटर और लगभग 1200 से ज़्यादा लोग, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। 18 साल से ऊपर ही बच्चे जो हैं या लोग जो हैं, अडल्ट्स जो हैं, वोट कर सकते हैं। 18 साल से नीचे के लोग भी तो ज़िंदा हैं यहाँ पर, वो भी तो सोचने की ज़रूरत है। कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी वो कहाँ जाएगी? क्या कोई ये सोच सकता है? यहाँ पे कोई आशा वर्कर है? नहीं, हमारे गांव में कोई। कोई आंगनवाड़ी वर्कर? कुछ नहीं है हमारे पास। कोई आंगनवाड़ी भी नहीं है। इस गांव में फिर आखिरकार है क्या? ये चीज़ यहाँ पर आकर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। मैं किसी पॉलिटिकल एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ में डीसी रजौरी को हम ये दरख्वास्त भी करेंगे और ये चीज़ बोलने की कोशिश भी करेंगे कि जनाब, सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने से कि हमने बहुत काम किया वो मतलब नहीं रखता। यहाँ पर असल में क्या हो रहा है वो देखने की ज़रूरत है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्यूरोक्रेट से, इवन एलजी साहब से खुद एक बार दरख्वास्त कि इस गांव में आकर आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। शायद जम्मू का असली चेहरा जो है वो नज़र आ जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये गाड़ी हमारी बहुत चोरी हो गई, 2 लाख छोड़ के ले जाते हैं। यही मीडिया उधर से लाए थे हम। एक बार आप उधर से वो, और एक बार आप